चलिए प्यारे छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे, जहाँ पे लाते हैं ट्वेल्थ का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो चलिए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पिछले दिन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को पढ़े थे, और आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो टॉपिक्स देंगे फिजिक्स में एम्पियर के परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम को हम लोग पढ़ेंगे कि एम्पियर के परिपथीय नियम क्या होता है। तो चलिए इसके नीचे पहले कुछ बात लिख लेते हैं। तो लिखा जाए एम्पियर के परिपथीय नीचे, परिपथीय नियम के नीचे फर्स्ट एरो, यदि वृत्त का अल्पांश डीएल हो, वृत्त का अल्पांश डीएल हो तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का संपूर्ण वृत्त के लिए, रेखीय समाकलन करने पर जो व्यंजक हमें प्राप्त होता है वह एम्पियर के परिपथीय नियम कहलाता है। चलिए एम्पियर के परिपथीय नियम को समझने के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं। सबसे पहला, एक वृत्त है जिसका सेंटर सपोज ओ है, इसका टोटल लंबाई एल है, लेकिन हम थोड़ा सा अल्पांश लिए हुए हैं जिसका वैल्यू क्या है, डीएल है, जिसका वैल्यू डीएल है। और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, तो कैपिटल आर है। यानी कि पूरा इसमें और इसमें करंट दिया जा रहा है, वो आई करंट दिया जा रहा है। अब यहां से हमें एम्पियर के परिपथीय नियम को व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल बोल रहा है कि बी एक चुंबकीय क्षेत्र है और डीएल एक अल्पांश है, और एम्पियर के परिपथीय नियम से पहले फिगर बना लेंगे, उसके बाद एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या बोल रहा है कि आपको समाकलन करना है किसको, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। और आपको पता है ना, बी वेक्टर डीएल वेक्टर में बी जो है कांस्टेंट है, तो बी को बाहर कर लेंगे, तो अब क्या बच जाएगा अंदर में, डीएल। यहां पे अनंत सीधे धारावाही तार के लिए जो b का वैल्यू हम लोग पढ़ते थे म्यू नोट आई बाई 2πr, वही फार्मूला यहाँ पे यूज करना है b के जगह पे। यानी कि क्या लिखा, तो जो भी व्यंजक हमें प्राप्त करने का जरूरत पड़ता है तो कुछ बात याद रखना पड़ता है कि b का वैल्यू कौन सा यहाँ पे रखना है, तो अनंत सीधे धारावाही तार में जो हम लोग प्रूफ किए थे, तो अनंत सीधे धारावाही तार में बी का वैल्यू क्या प्रूफ किए थे, म्यू नोट आई बाई 2πr। तो यहां पे बी के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे म्यू नोट आई बाई 2πr, और जैसा कि जानते हैं डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल, डीएल का इंटीग्रेशन एल, जहां एल जो है परिधि है। क्यों, क्योंकि डीएल छोटा सा और पूरा का लंबाई कितना, एल, तो एक परिधि के तौर पे काम करेगा, और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो यहां लिख देंगे 2π, कौन सा आर, तो कैपिटल आर, क्योंकि त्रिज्या इसका कैपिटल आर है। तो अब एल के जगह पे हम लोग रखेंगे 2πr। तो फिगर के नीचे सब लिख रहे हैं, अब फिगर का कोई यूज नहीं है तो हम मिटा देते हैं। तो अब क्या बनेगा, बी डॉट डीएल बराबर यहां पे म्यू नोट आई बाई 2πr इंटू इस एल के जगह पे 2πr रखेंगे, सॉरी कैपिटल आर, तो
तो आप देख पा रहे होंगे नीचे नीचे कट गया, इसलिए इसलिए इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वेक्टर बराबर क्या बच रहा है, म्यू नॉट आई। इसी को बोला जाता है प्यारे छात्रों एम्पियर का परिपथीय नियम का व्यंजक, एम्पियर का परिपथीय नियम का व्यंजक, यानी कि यह है एम्पियर का परिपथीय नियम का व्यंजक। अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम का व्यंजक क्या होता है, तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट आई, जहां पे बी चुंबकीय क्षेत्र, डीएल का मैंने अल्पांश लंबाई का एक टुकड़ा, और म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, न्यूमेरिकल में भी हम लोग देखे थे, और आई का मतलब विद्युत धारा। तो ये है हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम। अब एम्पियर के परिपथीय नियम तो हम लोग पढ़ लिए कि क्या होता है एम्पियर के परिपथीय नियम, तो बी डीएल का समाकलन करने पे जो व्यंजक आता है वो कहलाता है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसका जरा हम लोग अनुप्रयोग देख लेते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम का कहां कहां उपयोग है। तो अब हम लोग को जो टॉपिक बनाना है वो टॉपिक बनाना है एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। टॉपिक बनाएंगे, टॉपिक एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित है, एम्पियर के परिपथीय नियम के प्रयोग निम्नलिखित है। पहला, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित है, पहला अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण, पहला में लिखेंगे अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, अब इसमें हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, मतलब कि इसका उपयोग कहां कहां है। तो पहला उपयोग कहां करेंगे, तो अनंत सीधे धारावाही तार है, अब वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या क्या होगा। अब इसमें भी तीन केस है, केस नंबर ए बी सी, यानी कि अब फिर से वही काम करने वाले हैं, लेकिन इस बार हम लोग यूज करने वाले हैं एम्पियर के परिपथीय नियम का। प्यार छात्रों आप चीजों को बढ़िया से समझिए, इस बार हम लोग अनंत सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाले हैं, किसका उपयोग करके, तो एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके। अब इसका भी तीन केस है, पहला केस ये कि जब बिंदु तार के बाहर हो, पहला ए में लिखेंगे, पहला तो ये पूरा लिखेंगे, अब उसका ए बी सी, इसका भी तीन केस है, जब बिंदु तार के बाहर है, जब बिंदु, दूसरा में लिखेंगे जब बिंदु तार के सतह पर है, और तीसरा जब बिंदु तार के अंदर है, जब बिंदु तार के अंदर है। तो ये पहला सिचुएशन हो गया। अब पहला का यानी कि तीन केस, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, ध्यान दीजिए एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग निम्नलिखित है, ये लिखें, पहला ये अनंत सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या क्या होगा। अब उसके लिए तीन गो केस है, जब बिंदु तार के बाहर रहेगा तब, जब बिंदु तार के सतह पर, जब बिंदु तार के अंदर। अच्छा अब हम लोग दूसरा इसका लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही परिनालिका। अब पढ़ेंगे हम लोग तब पता चलेगा कि आखिर परिनालिका क्या है,
परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा लिखेंगे टेरॉइड के कारण, टेरॉइड, टेरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि एम्पियर के परिपथीय नियम का तीन तरह का उपयोग है। पहला कौन सा? तो पहला अनंत लंबाई के लिए, और दूसरा धारावाही परिनालिका के कारण, और तीसरा टेरॉइड के कारण। अब पहला जो अनंत वाला जो केस है, इसका भी तीन केस बनेगा, जब बिंदु तार के बाहर है, जब बिंदु तार के सतह पर है, जब बिंदु तार के अंदर है। तो इतना सिचुएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात तो समझना आ गया कि अभी भी हम लोग का प्रूफ ही करना है। देखिए फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हैं प्यारे छात्रों ना, तो 50% आप मान के चल लो कि आपको प्रूफ ही पूछता है, किस किस केस में, कौन कौन से केस में क्या प्रूफ, व्यंजक। तो यहां पे जी हाँ, हम लोग को फिर से व्यंजक का काम करना है, लेकिन किसका अनुप्रयोग? तो एम्पियर का परिपथीय नियम। तो सबसे पहले हम लोग आज फर्स्ट को क्लियर कर लेंगे, और ये दोनों थोड़ा सा बड़ा बड़ा टॉपिक है, तो कुल मिलाकर दो क्लास लगी जाएगा। एक धारावाही परिनालिका के कारण कितना होता है, और टेरॉइड के कारण कितना होता है। ये बहुत इजी है, तो पहला आज हम इसको कर ही देते हैं। चलिए, तो अब जो टॉपिक बनाना है, अब हम लोग इसको तीनों का प्रूफ देखेंगे। तो अब टॉपिक बनाएंगे, मेन टॉपिक, अनंत अनंत लंबाई के, बोल देते हैं आप लिख लीजिएगा, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण, सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब चलिए, इसका चूंकि तीन केस है, जब बिंदु तार के बाहर है, जब बिंदु तार के अंदर है, जब बिंदु के, जब बिंदु तार के सतह पर है। तो अब इसका चूंकि तीन केस है, तो आप पहला लिखिएगा केस नंबर फर्स्ट, जब बिंदु तार के बाहर है, जब बिंदु कहां है, तार के बाहर। चलिए अब इसका क्या प्रूफ होगा, जब बिंदु तार के बाहर होगा। तो जब बिंदु तार के बाहर होगा, तो जरा हम पहले उसके बारे में कुछ समझते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग लिख सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले इसके नीचे हम लोग कुछ फिगर बनाएंगे। जैसे मान लिया प्यारे छात्रों, यहां पे एक वायर है, एक वायर है, तार है। अब इसमें आई करंट पास हो रहा है, क्योंकि धारावाही है, और वैसा माना जा रहा है कि अनंत है। तो अनंत है का मतलब इधर भी हम लोग डॉट डॉट कर देते हैं, का मतलब क्या कि ये अनंत तक जा रहा है। अब इसमें हम लोग आई करंट पास हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, यानी कि इसमें आई करंट पास हो रहा है। अब यहां पे मान लिया कि कोई पॉइंट ओ है, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी है, और यहीं पे हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ऐसा माना जा रहा है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, छोटा आर। जब छोटा आर है, तो इसको लेकर एक सर्किल बनाया जाए, एक वृत्ताकार बनाया जाए, वृत्त खींच दिए हैं हम आर त्रिज्या को लेकर, एक वृत्त खींच लिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल वृत्त होगा, क्लियर है। ऐसा माना जा रहा है कि पी पॉइंट को लेकर चारों तरफ हम क्या खींच लिए हैं, एक सर्किल खींच लिए हैं। और जब सर्किल खींच लिए हैं, तो हम लोग यहां पे हम लोगों को क्या क्या मिलेगा जरा समझते हैं। तो यहां पे जो मिलेगा, सबसे पहले फिगर के नीचे कुछ लिख लीजिए जो बात माने हैं, जो बात माने हैं, हम लोग फिगर बना लीजिएगा इसके नीचे, और फिर कुछ बात लिखिएगा। माना, माना सीधे धारावाही तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है, सीधे धारावाही तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है, जिससे जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चलिए, तो अब इसको हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम का यूज करते हैं, और केस वन को
समझते हैं। तो एम्पियर के परिपथीय नियम क्या बोलता है, फिर से लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से क्या फार्मूला है एम्पियर के परिपथीय नियम से, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब प्यारे छात्रों आप यहां पे ये समझिए कि B कांस्टेंट है तो B को बाहर निकालेंगे, तो B को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, B dl इज इक्वल टू म्यू नोट आई। और जब यहां पे ए भी लिख सकते हैं कि B dl का इंटीग्रेशन क्या l इज इक्वल टू म्यू नोट आई। और चूंकि यहां पे देख पा रहे होंगे कि एक वृत्त जो बन रहा है उसका त्रिज्या हो जाएगा छोटा r, छोटा r देख पा रहे हैं, इसका त्रिज्या कितना मान है, दूरी माने है छोटा r, तो त्रिज्या तो छोटा r है, इसलिए l के जगह पे आप परिधि के जगह पे 2 पाई r छोटा r रखेंगे, तो इसलिए हम लोगों को जो b का बनेगा वैल्यू, b का वैल्यू b इंटू टू पाई छोटा r, क्यों, क्योंकि वहां पे हम लोग छोटा r त्रिज्या माने हैं, बराबर म्यू नॉट i, इसलिए b का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट i बाय टू पाई छोटा r, क्योंकि यहाँ पे छोटा r ही वृत्त का त्रिज्या लिए हैं, दूरी लिए हैं उस तार से। तो कुल मिलाकर ये जो आया है, ये आया है किसके लिए, जब बिंदु बाहर है, जब बिंदु बाहर है, यानी कि जब बिंदु अगर बाहर रहेगा तब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा प्यारे छात्रों, म्यू नोट आई बटा टू पाई r, ये छोटा r का मतलब सीधे धारावाही तार से r दूरी पर, r दूरी, अगर यहां पे हम लोग कैपिटल r लेते तो यहां पे कैपिटल r लिखते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस तरह से केस वन हम लोग को कंप्लीटली प्रूफ हो गया, अब चलिए केस टू लिखते हैं। केस टू, केस टू का नाम क्या होगा, जब बिंदु तार के सतह पर हो, जब बिंदु तार के सतह पर हो, चलिए जब बिंदु अगर तार के सतह पर होगा, इसका मतलब ये फिगर समझिए कि मान लिया कि अगर ये वायर है, ये तार है और ये अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का मतलब डॉट डॉट ऊपर नीचे डॉट डॉट दे दिए, अब यहां से हम थोड़ा सा, अब चूंकि इसमें करंट पास करना है तो यहां से हम लोग आई करंट पास आउट कर रहे हैं, आई करंट दे रहे हैं। अब जरा समझिए आप बात को कि अगर मान लिया इसका सेंटर ओ होता और चूंकि अब की पी बिंदु कहां, तो पी बिंदु बिल्कुल सतह पर यानी कि तार पर ही होना चाहिए, तो इसका दूरी मान लेते हैं कि इसका दूरी यानी कि तार का जो व्यास है वो कुछ ना कुछ तो होगा, तो यहां से हम मान ले रहे हैं कैपिटल आर, तो कैपिटल आर बनेगा तो इस तरीके से एक बनेगा वृत्त, इस तरह से एक वृत्त बनेगा, और इस तरह से जब वृत्त बनेगा तो हम लोगों को इसका त्रिज्या कितना यानी कि चित्र से छोटा आर के जगह पे हम लोग बड़ा आर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को जब पी बिंदु तार के सतह पर रहेगा तो कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, जब हम लोग टू पाई आर लिखते थे ना वहां छोटा आर, तो यहां पे आर के जगह पे बड़ा आर लिख देना है, म्यू नोट आई बटा टू पाई कैपिटल आर, इसलिए बी बराबर हो जाएगा म्यू नोट आई बटा टू पाई कैपिटल आर। यानी कि जब अगर आप बाहर रह के प्रूफ कर लिए हैं कि म्यू नोट आई बाई टू पाई आर, तो जब सतह पर रखना होगा तो उसका दूरी कितना आर, जब आर रख लेंगे तो छोटा आर के जगह पे हम बड़ा आर इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो हो जाएगा किसके लिए, जब बिंदु तार के सतह पर होगा, यानी बिल्कुल तार के सतह पर जब कोई बी बिंदु होगा तो हम लोग उसका प्रूफ ये लाएंगे, बी बराबर म्यू नोट आई बाई टू पाई कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि छोटा आर के जगह पे हम लोग कैपिटल आर रख देंगे, क्योंकि दूरी इस बार कैपिटल आर रखे। तो केस टू का ये फिगर है और उसका ये प्रूफ है। अब हम लोग लास्ट, फर्स्ट का लास्ट बच रहा है केस नंबर थ्री, तो चलिए केस नंबर थ्री को भी हम लोग पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। तो केस नंबर थ्री क्या बोल रहा है, केस थ्री,
किस तरह लिखेंगे, जब बिंदु तार के भीतर हो या अंदर हो, जब बिंदु तार के भीतर हो। चलिए, जब बिंदु तार के भीतर हो तो उसका फिगर हम लोग जैसे कैसे बनाएंगे वो समझिए। जैसे मान लिया कि एक वायर है, अब वायर है तो वायर का मतलब क्या समझना है, जैसे मान लिया कि एक वायर है ना ऐसे, तो इसको हम लोग ऐसे बना रहे ना, अब इसी को जब हम ऊपर से देखेंगे सिर्फ तो एक बिल्कुल गोला नजर आएगा, यानी एक पाइप जो है अगर आप पाइप को ऐसे देखेंगे तब तो ऐसा नजर आएगा, पाइप के जैसा सीधा रेखा में नजर आएगा, लेकिन पाइप को अपने सामने से देखेंगे तो एक गोला नजर आएगा। समझ रहे ना बात को, यानी कि एक इस तरह का वायर है, जब हम इसी को ऊपर से देखेंगे तो एक बिल्कुल क्या आएगा, एक वृत्त नजर आएगा। अब इसी वृत्त को, एक वृत्त है और जिसका त्रिज्या मान रहे हैं कैपिटल आर है, जिसका त्रिज्या बड़ा का क्या है, कैपिटल आर है। अब इस के अंदर यानी कि तार के अंदर, तो तार जैसे कि मान लिया अगर तार ये रहता तो इसके अंदर में पी पॉइंट रहता, अंदर में पी बिंदु रहता, तो अगर मान लिया एक तार है तो इसके अंदर का एक बिंदु पी है, जब पी बिंदु है तो प्यारे छात्रों अब पी से होते हुए एक वृत्त खींचेंगे और ये तो मेरा सेंटर है, तो जब हम पी से बिंदु खींचेंगे तो इसका त्रिज्या कितना, अंदर वाला का जो पी बिंदु है जहां पे उसका त्रिज्या छोटा आर है। अब जरा इसको हम लोग थोड़ा सा कलर कर लेते हैं ताकि ये पता चलेगा कि ये जो है अंदर वाला है। अब जरा बात बताइए कि यहां पे जो टोटल एरिया का जो रेशियो होगा, हम लोग जानते हैं ना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा केस नंबर 3 में जब करंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो करंट का वैल्यू कैसे निकलता है, तो जितना एरिया वो घेरा हुआ है उतना में, यानी कि टोटल में वो इतना एरिया घेरा हुआ है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है और एक पूरा सेकेंड है, यानी सेकेंड वाला एरिया टोटल है और फर्स्ट वाला सिर्फ इतना है। तो जब भी हम लोग करंट का मान कितना होगा इसका वैल्यू निकालने के लिए, आई का वैल्यू निकालने के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, आई इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर, यानी कि फर्स्ट का क्षेत्रफल बटा सेकेंड का क्षेत्रफल। तो यहां हो जाएगा आई इंटू फर्स्ट का क्षेत्र, इसको बोल रहे हैं फर्स्ट और इसको बोल रहे हैं पूरा को सेकेंड, तो फर्स्ट का जो क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे छोटा वाला का जो त्रिज्या है वो छोटा आर है, तो यहां पे लिखेंगे पाई छोटा आर का स्क्वायर बटा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया तो कुल मिलाकर आई इंटू आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर हुआ, यानी कि कुल धारा का वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं कि कुल धारा कितना होगा, कुल धारा जो आई का मान इतना होगा। अब हम पुनः इसके नीचे क्या लिखेंगे, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, फिर से आप एम्पियर के परिपथीय नियम चलेंगे, तो एम्पियर के परिपथीय नियम क्या बतलाता है, यही ना कि आप करो बी का वेक्टर डीएल का वेक्टर का रिजल्ट आता है म्यू नॉट आई। अब यही तो हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम है और इसी का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां बी जैसे ही बाहर निकलेगा तो अंदर में बचेगा डीएल का इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट। और प्यारे छात्रों ये आई क्या है, तो कुल धारा है। देखिए थर्ड वाले केस को प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले कुल धारा का मान निकालना है, ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा प्यारे छात्रों। तो आप आई का वैल्यू निकाल लीजिए कितना आ रहा है, आई इंटू छोटा आर स्क्वायर बटा बड़ा आर स्क्वायर। अब चूंकि स्पेस नहीं है यहां पर मिटाते हैं तो फिर क्या बनेगा, एलएचएस से फिर से चलते हैं इधर, तो बी और यहां पे डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। यहां पर देखिए छोटा आर है, छोटा आर का मतलब क्या, अंदर वाला, चूंकि तार के अंदर एक पी पॉइंट है वहां का त्रिज्या हम छोटा आर माने हैं और बड़ा यानी कि बाहर वाले तक के त्रिज्या कैपिटल आर माने हैं। अच्छा आप बताइए, यहां तो बी का भी हो गया, एल का मतलब होता है परिधि प्यारे छात्रों, परिधि परिमाप,
अब एल का जगह पे कौन सा आर यूज करना है, अंदर वाला कि बाहर वाला? जी हाँ बिल्कुल अंदर वाला यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि इस बार पी पॉइंट कहां रखे हैं केस 3 में, अंदर ना, ये अंदर में है, तो अंदर वाला का वैल्यू क्या है, आर है, तो यहाँ पे हम लोग 2πr छोटा वाला यूज करेंगे, क्योंकि केस ही मेरा थर्ड है, थर्ड केस को सीख रहे कि जब बिंदु अंदर हो तो अंदर वाला का त्रिज्या क्या, छोटा आर, तो 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आर छोटा आर बटा बड़ा आर स्क्वायर, इसलिए b का वैल्यू क्या होगा, तो 2πr नीचे आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2πr छोटा आर इंटू बड़ा आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि r से 8r कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए b का वैल्यू फाइनली क्या आ गया, म्यू नॉट आई आर बाय 2πr कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये मेरा प्रूफ हो चुका है चुंबकीय क्षेत्र का मान कब, जब बिंदु तार के अंदर है या फिर भीतर है, वही बात हुआ, जब तार के अंदर में है या फिर भीतर में है, तब हम लोग बी का वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई आर। देखिए आर का मतलब क्या, अंदर वाला तक की दूरी, कि आखिर ये तो टोटल त्रिज्या है ना, ये तार का त्रिज्या है, तार की त्रिज्या, लेकिन ये छोटा आर क्या है, तो अगर मान लिया रहेगा कि अंदर की दूरी कितना दूर पे पी पॉइंट है, अगर मान लिया कि तार जो है, तार का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और बोल रहा है कि अंदर जो है तार के त्रिज्या से 5 सेंटीमीटर पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो छोटा आर का वैल्यू हो जाएगा 5 और बड़ा आर का वैल्यू हो गया 8, क्योंकि त्रिज्या हो गया ये तार का, कैपिटल आर जो हो गया तार का त्रिज्या, और छोटा आर का मतलब वो दूरी, अंदर वाले पॉइंट तक का दूरी जहां पे चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालना है। तो बी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई छोटा आर बटा 2πr2। तो इस तरीके से प्यारे छात्रों हम लोग तीनों केस को पढ़े, उसका प्रूफ भी देखें, और दो केस बच गया है अब, दोनों तो चूंकि बड़ा बड़ा है तो एक एक क्लास में होगा, यानी कि दो दिन और लगेगा प्रूफ करने में, एक परिनालिका को लेकर चुंबकीय क्षेत्र और एक टेरॉइड को लेकर चुंबकीय क्षेत्र, तो दो और बच रहा है हम लोग का, अब उसको जब प्रूफ करेंगे तब उसको फिर इसको जो फॉर्मूला आ रहा है अभी, इसको फिर न्यूमेरिकल में हम लोग सीखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल में यूज कर रहे हैं। फिलहाल आज की क्लास तक को यही तक समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।